हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न चैप्टर टू, चैप्टर नेम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आज हम लोग चैप्टर टू सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स, पहले बताइए सब्ट्रैक्शन मीन्स होता क्या है? सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है माइनस करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। ओके, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है टेकिंग अवे, टेकिंग अवे। सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है टेकिंग अवे। ओके, जैसे टेकिंग अवे। ओके स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन का टेकिंग अवे, एज जैसे हम समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से, कोई वस्तु है हमारे पास 10 एप्पल्स हैं और 10 एप्पल्स में से 5 एप्पल्स आपको मैंने दे दिया, तो ये मीन्स टेकिंग अवे, दूर चला गया हमसे, वो हमसे अलग हो गया, तो मेरे पास कितना बचा? मेरे पास कितना बचा? 10 एप्पल्स था, हमने 5 आपको दे दिया या आपने ले लिया, तो मेरे पास कितना बचा? 5 बच्चा हुआ है, टेकिंग अवे है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, आप लोग जानते भी हैं, ठीक है? इसे एग्जांपल, ठीक है, समझते हैं पहले एग्जांपल से हम लोग सब्ट्रैक्शन को, ठीक है? सब्ट्रैक्शन एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम। देयर आर 60 स्टूडेंट इन क्लास सेकेंड, इन क्लास सेकेंड। अब हमने कहा, हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा 60 स्टूडेंट्स, मान लीजिए क्लास में कितने हैं? 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? 20 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, सीधी सी बात है, अगर 20 एब्सेंट हो गए, आज नहीं आए, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, तो हम उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितने को सब्ट्रैक्ट करेंगे? 20 से सब्ट्रैक्ट, 60 में 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ये माइनस चिन्ह है, साइन ऑफ माइनस, यहाँ 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो में से जीरो, जीरो सिक्स में से टू जा फोर। 40 स्टूडेंट्स हमारे प्रेजेंट हुए। कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए? 40 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल तरीका है समझने के लिए, और हम इससे, ये तो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन था, हम सिंपल मेथड समझते हैं। सब्ट्रैक्टिंग वन, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग, पहले छोटे छोटे चीजों को हम देखेंगे। सब्ट्रैक्टिंग वन, ठीक है, वंस को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? मान लीजिए आपको हम कहते हैं कि 9 माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, को
क्वेश्चन नंबर ए, 9-4 को सब्ट्रैक्ट करिए, सीधी सी बात है, आप एक लाइन के माध्यम से समझेंगे, नंबर के माध्यम से, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मान लीजिए 9 तक हमने राइट कर दिया, ठीक है, और हमको सब्ट्रैक्ट करना है 9 माइनस 4 करना है, हम 9 ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके हैं 9 पर, ठीक है, अब 4 करना है, माइनस कितना करना है 4, तो ध्यान रहे कि हमको 4 टाइम यहाँ पे बैक आना है, बैक आ रहा है, ये बैक हुआ हमारा, ये फॉरवर्ड हुआ, ठीक है, तो ये 1 टाइम हुआ, एक बार हम चले यहाँ आए, ठीक है, फिर दूसरी बार चलते हैं, ये दूसरी बार आए 7 पर आ गए, फिर तीसरी बार आ गए, ये 3 हुआ, फिर टाइम्स आ गए, ये हम लास्ट 4, ये 4 है, जितना हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा उतना हम उतना बैकवर्ड आएंगे, पीछे की तरफ चलेंगे, ये बैकवर्ड है, तो पीछे की तरफ मूव करेंगे, जितना नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है, जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर से हम चलना शुरू किए हैं, ध्यान ये है हमको 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 से चलना शुरू किया बैक, 1 टाइम चले, 2 टाइम चले, 3 टाइम चले, ये 4 टाइम, लास्ट टाइम 4 टाइम्स आ गए, हम किस पोजीशन पे हैं आप हमें बताइए, हम किस पोजीशन पे हैं, 5, हम कहाँ हैं, 5, नंबर 5 पे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 आ जाएगा, बहुत इजी है, 1 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसी पे हम इसको रन करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, हम 12 माइनस 4 करते हैं, 4 नहीं 5 करते हैं, ठीक है, अब यहाँ हम 9 तक लिखा था, ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे हम 12 बढ़ाएंगे, 10 होगा, फिर 11 होगा, फिर 12 तक हम पहुंच गए, क्योंकि यहाँ नंबर क्या है 12 है, ये माइनस क्या है 5 है, अब हमको क्या करना है कि हम यहाँ से बैक आएंगे 5 टाइम्स, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, चलते हैं बैक 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, यहाँ बैक करते जाएंगे नंबर तक समझेंगे कितनी बार बैक आ रहा है 5 टाइम्स 6 टाइम्स सॉरी 5 टाइम्स मॉली 5 टाइम्स क्योंकि 5 माइनस करना हमें ठीक है तो 5 टाइम्स आ गए 1 टाइम 2 टाइम्स 3 4 5 कहाँ हमारा पोजीशन है 7 कहाँ पे आगे खड़े हुए हैं हम 7 पे तो हमारा आंसर क्या होगा 7 बहुत इजी है वेरी इजी इसको समझना ओके और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको हम इरेज कर देते हैं चलिए 8 पोजीशन पर है ये 8 है माइनस 8 करना है अब यहां से 8 टाइम्स बैकवर्ड आना है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स
ये 7 हुआ और ये 8 हुआ, दिखाई दे रहा है आपको स्पष्ट। 8 हम कहां पहुंच गए, 0 पे कहां पहुंच गए, 8 माइनस 8, 8 से हमने 8 टाइम्स चला तो कहां पहुंच गए, 0 पे। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आया। एक बार बहुत इजी समझ सकते हैं इसको, दूसरे क्वेश्चन को लेकर, ठीक है, बहुत सिंपल लग रहा है, आप लोग इसको इसी मेथड से सॉल्व करिएगा। यहाँ पे 9 माइनस 9 करते हैं हम, इस इक्वल टू कितना होगा, अब यहाँ पे हम लाइन बनाएंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस नंबर में से इस नंबर को घटाना है, वहां से हम लिख लिए, यहाँ इसमें से माइनस करना है ना 9, तब 9 में से हम 9 यहाँ तक लिख लिए, ठीक है। अब बैक आना है आपको इस लाइन पे, 9 टाइम्स बैक करना है, तो यहाँ से बैक करते हैं 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, यहाँ से फिर आते हैं 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स और 9, ये लास्ट। अब किस पोजीशन पर खड़े हुए, 0 पे, मेरा आंसर क्या होगा, 0, समझ में आया। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसमें से एक्सरसाइज करिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे होगा उसको करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।